अपनी खिलकारियों से वह करेगा अब आपसे बात, चाहे दिन हो या रात, आपको अच्छा लगेगा उसका साथ। बताओ कौन? ये हमारा बेबी बॉय निताय है। तेरा प्यार ये त्योहार है, संसार है मेरा, तेरे बिना दुश्वार है, बेकार है दास्तां। काफी लंबे इंतजार के बाद आरु, वेदिका और इनाया तीनों बहनों को अपना एक नॉटी सा ब्रदर मिल गया है, जिसको ये बहुत परेशान कर सकती हैं और जिसकी खूब पिटाई कर सकती हैं। इनके त्यौहार पूरे हो गए हैं, फाइनली राखी और भैया दोस्त दोनों बना सकती हैं तीनों, और हम लोग बहुत प्यार से बेबी निताय का वेलकम करते हैं और वेट करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाए, ताकि वो अपने पापा, मम्मी, चाचा, चाची, फूजी और बुआ को बहुत परेशान करे। रोशन तुझे से मेरा जहां है, तू लाखों दियों सा जल रहा, शाम रंगोली सी, रात तारों वाली, ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली, बातें फूलों जैसी, दिल पे इश्क की लाली, ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली। मैं निताय की बुआ हूँ और निताय हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो 30 इयर्स बाद हमारे घर में कोई बेबी बॉय हुआ है। एंड हमने हमेशा से लड़कियों की ड्रेसेस खरीदी है, फ्रॉक्स ये वो, सो वी आर रियली एक्साइटेड कि फर्स्ट टाइम हम बॉय के, वी आर वेरी एक्साइटेड। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें कैसे लें, और आज मेरी दादी होती तो ये सबसे ज़्यादा इस मोमेंट को मिस करती। वी ऑल मिस हर। दिल इश्क में है पागल, सांसों से है बांध लिया, दिल से धड़कन का चल है। तन्हा तन्हा जीते थे, मुरझाए थे सारे पल, मौसम सारे बदले हैं, जो बरसे तेरे बादल, अब क्या सुना कितना बताए, किससे तेरे हैं जादूगरी, रातें सिंदूरी सी, आंखें झुकनों वाली, ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली, बातें फूलों जैसी, दिल पे इश्क की लाली। I mean, क्रेज कुछ और ही होता, क्योंकि उनको हमेशा से बच्चों के लिए बहुत वो एक्साइटेड रही हैं, एंड वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग थी। सो हम सब उनको बहुत मिस करते हैं, अपनी अम्मा को, एंड आई होप वो ऊपर से सब देख रही होंगी, एंड उनकी सारी ब्लेसिंग्स निताय के साथ हैं। एंड हम निताय को जितना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं उतना ज़्यादा करेंगे, एंड हम उसको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे, एंड आई रियली होप कि वो बड़े होकर वही बने जो वो बनना चाहता है। एंड दैट्स ऑल। लव यू निताय। लव यू निताय। इश्क की लाली, ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली।
ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली।